नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। बिहार में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लाख जाली नोट जब्त किए हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव में खपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान जाली नोट देने वाला भाग निकला, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव को पार्टी ने दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। अध्यक्ष पद मिलने के बाद देवेंद्र यादव ने कहा कि यह उनके लिए बेहद खास दिन है। उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए मैं लगातार काम करता रहूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से पंजाब में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। जहां सीएम भगवंत मान ताबड़तोड़ रोड शो और चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, इसके साथ ही लोकसभा उम्मीदवार भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस बीच पटियाला से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार बलबीर सिंह ने डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जाना और आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए अपील की। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने आज झज्जर से लोकसभा उम्मीदवार अरविंद शर्मा के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान जब सीएम मंच पर बोल रहे थे, तभी पंडाल में लगे पंखे में आग लग गई। इसके बाद सीएम ने अपना भाषण रोककर तुरंत पंडाल को खाली कराया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक के समर्थन में रोड शो किया, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। बदायूं आने के बाद विधायक महेश गुप्ता के आवास पर सीएम ने प्रेस वार्ता की और सपा बसपा पर जोरदार तंज कसा। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायक और 1 पूर्व विधायक ने पार्टी लाइन से अलग हटकर चुनाव लड़ने के लिए बागी रुख अख्तियार किया हुआ है। इनमें 2 ने नामांकन भी कर दिया है और 1 कतार में है। झामुमो ऐसे नेताओं को समझाने बुझाने तथा नहीं मानने पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन कार्रवाई कद और पद देखकर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर विश्वास जताया कि भगवा पार्टी राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने देश और प्रदेश में जनता का विश्वास खो दिया है, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं का भी विश्वास खो दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा, जहां विधायक निर्मला सप्रे ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा के दौरान राहतगढ़ में निर्मला ने भाजपा की सदस्यता ली। निर्मला सप्रे ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तथा 2 बार की विधायक महेश राय को 6,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनहित के खिलाफ योजनाओं को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश जिस दौर से गुजर रहा है, जनता देख रही है। भाजपा ने देश को कई टुकड़ों में बांटने का काम किया है। 2014 में बेरोजगारी के ऐसे हालात नहीं थे जो 10 सालों में देखे जा रहे हैं। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर कई बड़े दावे किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसे बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां के लोग कश्मीर का विकास देखने के बाद स्वयं ही भारत में शामिल होना चाहेंगे। सांसद प्रज्वल रवेन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 10 सवालों के जवाब की मांग की है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और जनता दल के नेता सामूहिक दुष्कर्मी को बचा रहे हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं और लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण को 50% से बढ़ाना है।
सीबीआई निदेशक ने आज ऑनलाइन कट्टरपंथ और वैश्विक सुरक्षा पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में अंतर नहीं किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में आज 4:19 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र पश्चिमी दिल्ली रहा और गहराई 5 किलोमीटर रही। बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2 मापी गई। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाजपा में जाने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है, जहां इसको लेकर भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपना बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ अच्छे व्यक्ति हैं और यदि वे भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान किए जाने के विरोध में भाजपाइयों और समाज के लोगों के धरने के कारण करहल चौराहा पर आधा घंटे तक जाम लगा रहा। बता दें कि इन लोगों की मांग थी कि महाराणा प्रताप का अपमान करने वाले को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा, जहां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं, साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। आगे उन्होंने कहा कि हां, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और अब मैं वही कर रही हूं। देश भर में लोकसभा चुनाव के 3rd चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होने वाली है, जहां आज प्रचार थम गया है। बता दें कि इस चरण में उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें संबल, हाथरस, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अंबाला और बरेली शामिल है। राजस्थान में अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी और किडनी प्रत्यारोपण के मामले में गड़बड़ी मिलने पर राज्य सरकार ने SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अंचल शर्मा को इस्तीफा देने को कहा है। साथ ही इस मामले में 3 अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों से जवाब मांगा गया है। अब इस मामले में पुलिस तह तक जाने के लिए जाँच कर रही है। बीते दिनों सहरसा के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने संध्या गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक संजीव कुमार, पिता सत्यनारायण चौधरी, घर गंगजला पासवान टोला, दूसरा प्रकाश कुमार, पिता नागेश्वर प्रसाद यादव, घर नया बाजार सदर सहरसा का रहने वाला है। जहां थाना अध्यक्ष अनुमोद कुमार ने बताया कि आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गर्मी का मौसम अपने साथ कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है, जिनमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा भी शामिल होता है। बता दें कि शरीर में पानी की कमी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से ब्लड शुगर का मात्रा भी बढ़ जाता है। इसलिए शरीर में पानी की कमी कभी ना होने दें। पानी के साथ साथ नारियल पानी, नींबू पानी जैसी चीजें भी आप पीते रहे, साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स से परहेज करें। IIT जोधपुर में नॉन टीचिंग के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती चल रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 7 मई तक आवेदन किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में लोकसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां नेका के इस गढ़ में एक बार फिर 2 चिड़ परिचित धुर विरोधी नेका PDP तो मैदान में है ही, साथ ही 2 नए प्रतिद्वंदी अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। नेका प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस सीट से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने खुद को किनारा कर लिया है। एक स्टिंग वीडियो जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए संदेश खाली की फर्जी कहानी बताई जा रही है। इस बीच भाजपा नेता दिलीप घोष ने बताया कि राज्य में लोगों को खरीदा और बेचा जा रहा है। राजभवन में एक कर्मचारी द्वारा बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप पर भी उन्होंने कहा कि पैसे के बदले लोगों को राज्यपाल के आधिकारिक आवास पर रखा जा रहा है। देश भर में लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद ज्यादातर वादे खोखले साबित होते हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के बारामती से सामने आया है, जहां लोग पीने के पानी के लिए भी मोहताज हैं। बारामती लोकसभा क्षेत्र के पुरंदर तालुका के 110 गांव ऐसे हैं, जहां आज भी लोग पानी पीने के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। यहां हफ्ते में एक बार पानी का टैंकर आता है। पानी साफ ना होने के कारण लोगों को यहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुजरात में मुस्लिम समुदाय के 35 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपनी परंपरा तोड़ दी और राज्य में इस समुदाय से एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने इसको लेकर तर्क दिया है कि भरूच लोकसभा सीट इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटकों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के तहत आम आदमी पार्टी के पास चली गई है।
कांग्रेस भरूच से परंपरागत रूप से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही मैदान में उतारते थे। राष्ट्रीय दलों में केवल बहुजन समाज पार्टी ने गांधीनगर से एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।